इनके बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान और पांव से जमीन खिसक जाएगी। मौलाना मोदी और अमित शाह के हैं खास मेहमान। मौलाना का इजराइल के साथ है क्या रिश्ता? अमानतुल्ला खान से क्यों भिड़ गए थे मौलाना? दरअसल दिल्ली से सटे मेवात से ताल्लुक रखने वाले उमर इलियासी राजनीतिक पहुंच रखने वाले मौलाना जमील इलियासी के पुत्र हैं और उनका परिवार दिल्ली के कस्तूरबा गांधी रोड पर मौजूद गोलाकार मस्जिद की इमामत का फर्ज पिछले दो पीढ़ियों से निभा रहा है। वह ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खासे खास माने जाते हैं। बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद वह नरसिम्हा राव के बहुत करीबी माने जाते थे। यही नहीं, उन पर इल्ज़ाम है कि वक्फ की ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। डेढ़ दो साल पहले जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान दलबल के साथ गोल मस्जिद पहुंचकर उसे खाली करवाना चाहते थे तो मौलाना और अमानतुल्ला खान के बीच तूतू मैमे भी हुई थी। जाने माने पत्रकार रशीद किदवई की हाल ही में आई लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामी किताब में उमर इलियासी के वालिद मौलाना जमील इलियासी से जुड़े एक वाक़े का जिक्र किया गया है, जिसमें वह इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं और कमरे की छत से तावीज लटकाकर आम चुनाव में 350 सीट हासिल करने का दावा करते थे। यही नहीं, उमर इलियासी के पिता मौलाना जमील इलियासी की इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस को शॉल उढ़ाते एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब वह मध्य पूर्व के देश में गए थे। वहीं उमर इलियासी की भी एक इसराइली व्यक्ति के साथ तस्वीर वायरल की जा रही है। इस वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले अपनी दुकान चला रहे हैं या वह फिर धार्मिक गुरु हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।